नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 इसका प्रश्न नंबर 3 का दूसरा भाग हम कर रहे हैं। प्रश्न है 2x-3y=8, 4x-6y=9। हमें बताना है कि ये इन समीकरणों द्वारा बनाया गया रैखिक युग्म संगत होगा या असंगत होगा। तो आइए देखते हैं। हमारे पास है 2x-3y=8, 4x-6y=9। तो सबसे पहला जो काम है वो है हम निकालेंगे इसमें a1/a2, b1/b2, c1/c2। आइए देखते हैं। इसमें a1 होगा 2, b1 होगा 4, सॉरी a2 होगा 4। a1 है 2 और a2 है 4। इसी प्रकार से b1 है -3, b2 है -6, c1 है 8, c2 है 9। तो आइए देखते हैं इसमें से क्या कट सकता है एक दूसरे के साथ। देखिए ये a1 और a2 जो हैं ये हैं 2 और 4, तो ये 2 के पहाड़े में 2 एकम 2 और 2 दुनी 4 कट के ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 2, तो ये बन गया 1/2। इसी प्रकार से b1/b2 हम करेंगे तो माइनस है माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दुनी 6 हो जाएगा, तो ये भी बन गया 1/2। लेकिन c1/c2 है 8/9, ये किसी भी एक पहाड़े में नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से देखें, ये है 1/2, 1/2, ये है 1/2, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन यह है c1/c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि c1/c2 है 8/9। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये 8/9 है। इसका मतलब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। आइए हम टेबल में देखते हैं। देखिए ये लास्ट कंडीशन देखिए, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। यदि कभी ऐसा होता है तो इसका मतलब है समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं जो होती हैं वो आपस में कभी टच नहीं करती, इसलिए उनका कोई हल नहीं होता, और क्योंकि उनका कोई हल नहीं होता इसलिए वह कैसी रैखिक युग्म होते हैं, असंगत। कैसे रैखिक युग्म होते हैं, असंगत। तो अब आप लिखिएगा कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं, अतः दी गई समीकरणों के रैखिक युग्म असंगत हैं। ठीक है बच्चों, टेबल में हमने देखा कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ये समांतर रेखाएं होती हैं, उनका कोई हल नहीं होता, इसीलिए यह असंगत रैखिक युग्म है। ठीक है, तो यही हमने लिखा है कि दी गई समीकरणों के रैखिक युग्म असंगत हैं, यही हमें निकालना था। धन्यवाद।